प्रातस्मरणी पूज्यपाद सद्गुरु कबीर साहिब की असीम अनुकंपा से परम पूज्य श्री क्षमादेव जी की कृपा से मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट बालाघाट ग्राम डोंडा सिवनी की पौड़ी धरा पर संपन्न हो रहे सुखद सत्संग ज्ञान यज्ञ में हम और आप निमज्जन करेंगे, जीवन को सार्थक बनाएंगे। मानव जीवन बड़े सौभाग्य से मिलता है। देवताओं को भी दुर्लभ है, परंतु मनुष्य जितना परेशान चिंतित दिखाई देता है, उतना परेशान तो पशु पक्षी भी नहीं रहते। मनुष्य चिंता भी बहुत करता है, चिंता करते करते इतनी टेंशन हो जाती है, मनुष्य को नींद भी नहीं आती है। कौन सा उपाय है जो ये मनुष्य सुखी हो सके, इसकी चिंता कम हो जाए? एक प्रश्न है। दूसरा, महात्मा विदुर से महाराजा धीराज धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं कि गृहस्थाश्रम बहुत जंजाल का आश्रम है, तो इस गृहस्थाश्रम में सुख कैसे हो सकता है? गृहस्थाश्रम में रहने वालों की संख्या भी ज्यादा है, ज्यादातर लोग शादी करके अपनी अपनी गृहस्थी बसा लेते हैं। अकेले जीना, अकेले रहना, वैराग्य से रहना सबके लिए संभव नहीं है। गृहस्थाश्रम में सुखी जीवन व्यतीत हो, इसके लिए क्या फार्मूला है? विदुर जी कहते हैं, राजन, छह चीजें जिसके घर में होती है उसके घर में सुख निवास करता है। विदुर, बताओ वो छह चीजें कौन कौन सी है और वे कैसे सबके घर में हो सकती है? हे राजन, छह
छह चीजों का वर्णन मैं एक श्लोक में करता हूं। अर्थागमो नित्य मरोगिता चा प्रिया च भार्या प्रीवादिनी च वशस्य पुत्रो अर्थ करी च विद्या खड जीव लोकस्य सुखानि राजन। संस्कृत में श्लोक है, आप यदि समझ गए होंगे तो हिंदी में अर्थ बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे तो आप समझ गए हैं, फिर भी अर्थ बता दूंगा ताकि विस्तार से समझ में आ जाए। सही बंदगी, तीसरा प्रश्न श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछ रहे हैं, दुख को दूर करने का उपाय क्या है, क्योंकि सबके जीवन में बहुत दुख दिखाई देता है, दुख कैसे दूर होगा। सुखी इंसान कैसे हो सकता है, तीनों प्रश्न लगभग मिलते जुलते हैं, लेकिन फिर भी उनके उत्तर में अंतर है। सीधे बैठ जाओ साई बंदगी, साई बंदगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन शक्नोति है वो यह सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणा। काम क्रोधोद्भवम बेगम सहयुक्ता सह सुखी नरा। सुख भी नहीं है और दुख भी नहीं है। तो अर्जुन कहते हैं सुख नहीं है दुख नहीं है तो लोग दुखी क्यों है। कृष्ण कहते हैं जो मनुष्य जितना दुख चाहता है उतना दुख बना लेता है, जितना सुख चाहता है उतना सुख बना लेता है। सुख दुख दोनों मनुष्य के सोच पर निर्भर है, उसके चिंतन पर डिपेंड करता है सुख और दुख। कैसे, एक गरीब आदमी अपने द्वार पर बैठा रो रहा है, उसी समय कोई संत निकलता है, रोते हुए देखकर संत को दया आ जाती है। संत ने पूछा क्यों रोते हो, रोने वाले से यदि पूछ लो क्यों रोते हो तो रोने का कारण तो नहीं बताता है लेकिन अधिक रोना शुरू कर देता है। एक डॉक्टर कह रहा था मेरी पत्नी जब रोती है तो मैं उसको समझाता नहीं। तो मैंने कहा क्यों नहीं समझाते हो, बोले एक बार रोई थी तो समझाया था तो 3 दिन तक रोती रही थी। तो मैंने कहा फिर क्या करते हो, बोले जब वो रोना शुरू करती है चुपचाप गाड़ी लेकर मैं निकल जाता हूं, फिर शाम को आता हूं तब तक सब ठीक ठाक हो जाता है। ये भी फार्मूला है। बहुत ज्यादा समझाना भी अच्छी बात नहीं है, जो समझना चाहते हैं उनको तो समझाओ, जो समझना ही नहीं चाहते हैं उनको मत समझाओ।
उनको समझाओगे तो कहेंगे तुमको कि अपने सिर में उंगली मार कर कहेंगे कुछ क्रेक माइंड है, ज्यादा बोलते मत समझाओ। बुद्धिमान वह है जो समझने के लिए तैयार रहता है। बुद्धू वह है ना, समझ तो है लेकिन समझना भी नहीं चाहता है। और समझ के बिना जिंदगी उलझ जाती है। कबीर कहते हैं कि समझे की गति एक है, समझ जाओ तो समझ लेने वालों की गति एक हो जाती है। तो एक गरीब आदमी अपने द्वार पर बैठा रो रहा है। पुरुष का रोना कठिन होता है, स्त्री का रोना आसान है। वाह, स्त्री कहीं भी रो सकती है, कभी भी रो सकती है और किसी को भी रुला सकती है, उसके पास में ऐसा सिस्टम है। लेकिन पुरुष का रोना कठिन है। पुरुष किसी को रुला तो सकता है पर खुद मुश्किल से रोता है। और जो मुश्किल से रोता है इस दुनिया में उसका हार्ट अटैक बहुत होता है। जो सहज रो लेता है उसका हार्ट अटैक बहुत कम होता है। इसलिए स्त्रियों का हार्ट अटैक 1% होता है, पुरुषों का 99% होता है। रोने में भी फायदा है। जब तुम रोते हो जो आंसू बहते हैं, आंसुओं का स्वाद कैसा होता है कोई बता सकता है? खारा होता है। ये आंसुओं का स्वाद तुमको कैसे पता चला? आंसुओं का टेस्ट तुमने लिया है, इसका मतलब तुम रोए हो। बचपन में जब तुम रोते थे आंसू बहकर तुम्हारे मुंह में आ जाते थे, ज्ञान नहीं था तो चाट लेते थे, वो टेस्ट याद है, खारा होता है। आंसुओं के माध्यम से शरीर के द्वारा वह केमिकल निष्कासित हो जाता है जिसका डायरेक्ट हार्ट पर बुरा इफेक्ट होता है। रोने से वो केमिकल आंसुओं के माध्यम से बह जाता है, केवल रोने से। इसलिए महीने में एक दो बार रो लिया करो, बहुत अच्छा फार्मूला बता रहा हूं, कहीं लिखा नहीं है, अपनी तरफ से स्पेशल बातें बता रहा हूं। और पति पत्नी साथ में बैठकर रो लो, दोनों का रिश्ता अटूट हो जाएगा। और यदि केवल पत्नी रोती है और पति नहीं रोता है, दोनों का रिश्ता कुछ ही दिनों में टूट जाएगा, टूट जाएगा। दोनों साथ में रोया करो। कुछ लोग ऐसा प्रयोग करते हैं लेकिन बताते नहीं, इज्जत का सवाल है। उसके शरीर में एंटोडर्फिन्स केमिकल बनता है, जो डॉक्टर्स होंगे जान जाएंगे बात को। हंसने से बॉडी के अंदर एंटोडर्फिन्स केमिकल तैयार होता है और वह केमिकल शरीर के अंदर रोगों से लड़ने की सामर्थ्य पैदा करता है। फिर तुम्हारा शरीर स्वयं रोगों से लड़ सकता है। कोई रोग आएगा
आपका शरीर खुद उस रोग को भगाएगा और वह केमिकल केवल हंसने से पैदा होता है और कोई उपाय भी नहीं। इसलिए हंसना भी चाहिए और हंसने में भी महिलाओं का प्रथम स्थान है। महिलाएं हंसती भी खूब है। रोना और हंसना इनके जीवन का सहज ज्ञान है। सहज रूप से हंस देती है। और इस दुनिया के बारे में आपसे मैं कहूंगा, ये दुनिया जैसी है वैसी ही रहेगी। ये दुनिया ज्यादा बदलने वाली नहीं है। इस दुनिया में आपको खुद बदलना होगा और खुद बदल जाओगे तो आपकी दुनिया आपके अनुसार बदल जाएगी। हंसना भी, किसी के यहां कोई की मृत्यु हो गई, वहां तुम खड़े होकर हंस रहे हो तो आप डांटे जाओगे। वहां आपके अंदर दुख हो ना हो, लेकिन थोड़ा सा सीरियस रहिए, वहां से ये मत। किसी का विवाह चल रहा है, वहां बैठकर रोने का तुम चालू कर दो कार्यक्रम, अच्छी बात नहीं। वहां तुम भी खुशियां मनाओ। हंसने और मुस्कराने में भी विवेक होना चाहिए। राम का स्वभाव मुस्कराने का था, कृष्ण का स्वभाव हंसने का था और कबीर का स्वभाव हंसने और मुस्कराने के बीच का था। प्रसन्न रहना कबीर का स्वभाव था। कबीर प्रसन्न रहते थे इसलिए कबीर बहुत बुद्धिमान थे। कृष्ण हंसते थे इसलिए बहुत स्मरण शक्ति थी और राम मुस्कराते थे इसलिए उनको टेंशन नहीं होती थी। खुश रहना ताकि टेंशन ना होने पाए। इस दुनिया की कुछ चीजें आपके हाथ में हैं और बहुत सी चीजें आपके हाथ में नहीं है। बादलों से पानी का बरसना, ओले का गिरना, तूफान आना, आंधी आना, भूकंप आना, पाला ओला गिरना, ये सब तुम्हारे हाथ में नहीं है। इसका रिमोट कंट्रोल तुम्हारे पास नहीं है। ये प्रकृति की व्यवस्था है। जो चीज तुम्हारे हाथ में ना है उसकी चिंता मत करना और जो तुम्हारे हाथ में है उसमें लापरवाही मत करना। जो चीज तुम्हारे हाथ में है उसमें जब तुम लापरवाही करते हो, आलस्य करते हो, टालमटोल करते हो, तब दुख तुम्हारे पास आता है। जब उसमें तुम अलर्ट रहते हो, सतर्क रहते हो, तो सुख तुम्हारे पास आता है। इसलिए जितना तुम्हारे कंट्रोल में है उसको पूरा मन लगा करके कीजिए तो आपके पास में सुख आएगा। लापरवाह, आलसी हमेशा गरीब रहता है और दुखी रहता है। सतर्क रहो संसार में, सावधान रहो संसार में। तुम्हें आपको सुना रहा था, एक आदमी अपने द्वार पर बैठा रो रहा था और ये रोना, राजा महाराजा भी रोते हैं। महाराजा दशरथ के बारे में मैंने सुना है कि शोक भवन में ज्यादा समय उनका बीतता था। राजा महाराजाओं के घर में भी बहुत क्रोध आता है लोगों को। रानी कैकेयी का अधिक समय कोप भवन में बीतता था। राजाओं के यहां शोक भवन कोप भवन हुआ करते थे। तुम्हारे पास में तो एक ही कमरा है, उसी में सब मना लिया करो। सवेरे शोक भवन कर लो, फिर दोपहर में कोप भवन और शाम को खुशी भवन और रात में नींद भवन। क्या करोगे, एक ही कमरा है। कितने लोगों ने जिंदगी भर रगड़ी मारा है, एक भी कमरा बनाना कठिन हो गया है। किस्मत साथ नहीं देती।
कितने लोगों की किस्मत ऐसी है, मिट्टी छूते हैं सोना बन जाता है, जिधर नजर डालते नजारा बदल जाता है। अपने भाग्य को भी जगाइए, सोया हुआ भाग्य जाग जाए। कल मैं आपको ये बात बताऊंगा कि भाग्य कैसे जागता है, ठीक है? आज नहीं बताऊंगा, इसलिए नहीं बताऊंगा, आज अगर भाग्य जाग जाएगा तो तुम कल आओगे नहीं, इसलिए मैं कुछ ऐसा जाल डालता हूं, अगले दिन के लिए फंसा देता हूं। मैं भी बड़ा जालिम लोशन हूं सबको प्रेम और ज्ञान के जाल में फंसाता हूं। ये जरूरी है, ये लोग कौन आएंगे? सोया हुआ भाग्य कैसे जागता है? भाग्य को जगाने के फार्मूले कल बताऊंगा आपको। यदि जिसके घर में दरिद्र बैठ गया है, दरिद्र भी विदा हो जाए, ऐसे सूत्र कल खोलूंगा यहां पर। ये बालाघाट है, बालाघाट में सब घाट मिल जाएगा आपको, डूबोगी नहीं, यहां घाट ढूंढ दूंगा। और वह गरीब आदमी रो रहा है, ये मत सोचना कि अमीर रोता नहीं है, गरीब तो कभी कभी रोता है, अमीर तो हमेशा रोता ही रहता है। रोने का ढंग दोनों का जुदा जुदा होता है, अमीर सभ्यता से रोता है, गरीब थोड़ा खुले खुले रो लेता है। रोना तो इस दुनिया का सबके लिए परिणाम ही है, संसार में रोना ही रोना है, बहुत दुख है। और क्यों दुख है, कारण चल रहा भी, सकनोती है या सोढ़ों प्राक शरीर विमोचणा, काम क्रोधोद्भवम बेगम सहयुक्ता सह सुखी डरा। श्रीमद भगवत गीता का श्लोक है, दुख मिटाने का फार्मूला बताया जा रहा है। तो जो गरीब रो रहा था, उसके द्वार पर कोई साधु जा रहा है। कहते हैं बीतरागी संत जिस गली में निकल जाए, वो गली भी पवित्र हो जाती है। वैराग्यवान संत जिस घर में चरण रख दे, उस घर की बाधा बला खत्म हो जाती है। विरक्त संत जिसके घर में आकर थोड़ा नाश्ता कर ले, उसके घर में सौभाग्य का रास्ता खुल जाता है। साधारण बात नहीं, ठीक से वैराग्यवान संत होना चाहिए। ऐसा नहीं केवल संत का कपड़ा हो, वो लफड़ा संसार का हो, चकई चकधुम मकई के लावा तिकड़िक तिकड़म बनाता रहे, उससे कुछ नहीं होगा। संत यानी संत हो, संत तो जिसके लिए शुभकामना कर देता है, उसका कार्य पूरा हो जाता है। आशीर्वाद आज भी है, ऐसा नहीं कि कलयुग में आशीर्वाद नहीं है, लेकिन आशीर्वाद देने वाले हाथ होने चाहिए और आशीर्वाद लेने वाले पात्र होने चाहिए। तो संत द्वार पर जा रहा है, संत ने पूछा क्यों रो रहे हो, क्या कारण है? संत चाहता है दुनिया में कोई रोए ना, सब खुश रहे। सर्वे भवंत सुखिना सर्वे संत निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। आग जो लगी आकाश में झरझर गिरे अंगार, और साधु न होते जगत में जरी मरता संसार, जरी मरता संसार।
संत ने सिर पे हाथ रखा और पूछा, क्या दुख है? पूछने पर वो गरीब आदमी और ज्यादा रोने लगा। संत उसके पास में बैठ गए, तसल्ली से पूछा कि बताओ ना क्या दुख है। तो उस गरीब ने बताया कि गरीब हूं, यही दुख है। गरीबी अभिशाप नहीं है, सिबरी से ज्यादा तुम गरीब नहीं हो और रावण से ज्यादा तुम अमीर नहीं हो। रावण सोने की लंका में सुखी नहीं था और सिबरी अपनी गरीबी की झोपड़ी में दुखी नहीं थी। सुख दुख का रिश्ता महल और झोपड़ी से नहीं है, सुख दुख का रिश्ता प्यारे भाइयों और बहनों आदमी की समझ और विवेक से है। अगर विवेक जागृत हो गया तो गरीबी में भी सुख है, और विवेक सोया है तो सोने की लंका में भी दुख ही दुख है। सभी गौर करना, संत जब उस गरीब के सिर पर हाथ रखता है, आशीर्वाद देता है, वो गरीब रोना बंद कर देता है और गरीब कहता है, दिवाली का समय है, सब अपने अपने द्वार पर पटाखे फोड़ रहे हैं, मैं गरीब हूं इसलिए मेरे पास पैसे नहीं है जो पटाखा फोड़ूं। तो संत ने ज्ञान दिया, क्या कहा? संत ने कहा, जो भी पटाखा फूटता है तो सब पटाखे घर के बाहर सड़क पर ही फूटते हैं, जो पटाखा फूटे तो समझ लेना तुम्हारा ही पटाखा फूटा है, क्या किसी के पटाखे पर नाम लिखा है? तो इस गरीब ने तर्क किया, मेरा पटाखा होता तो मैं खुद फोड़ता, दूसरा क्यों फोड़ता? तो संत ने समझाया कि याद करना कि बड़े आदमी अपने हाथ पटाखा नहीं फोड़ते हैं, उनके नौकर जाकर पटाखा फोड़ते हैं। पटाखा फोड़ने वाले नौकर जाकर हैं, तुम बड़े आदमी हो, कुर्सी डालकर अपने द्वार से आनंद लेते रहना। बहुत बड़ी बात है आनंद लेना। वो गरीब मुस्कराने लगा, हंसने लगा और कहने लगा कि सब दुख मिट गया। मनुष्य का मन समझ जाए तो दुख भी सुख में बदल सकता है, और मन को समझा ना पाओ तो सुख भी दुख ही बना रहता है। सारा खेल मन को समझाने का है, और स्वयं को समझाना एक साधना है, दूसरों को समझाना आदत है, खुद को समझाना एक साधना है। दूसरों को तो सब समझाते ही रहते हैं लेकिन खुद को बहुत कम लोग समझा पाते हैं। जो खुद को समझा लेता है वो दूसरों को कम समझाता है, फिर भी दूसरे उसके सामने सब समझ जाते हैं। जो खुद को नहीं समझा पाता है और सबको समझाता रहता है, उसके समझाने से भी कोई समझ नहीं पाता। पहले खुद को समझाओ। चलना संभल संभल की माया नगर यही है, सकनोती है यह सोढ़ों प्राक शरीर भी मोक्षणात्। कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, इस शरीर के नाश होने के पहले पहले, अर्थात मृत्यु के पहले पहले, अर्थात जीते जी, अर्थात जिंदगी में ही, मनुष्य के शरीर में काम और क्रोध का वेग उठता है,
कभी कामवासना का तूफान उठता है, कभी क्रोध की ज्वालामुखी धधकती है, गुस्सा भी बहुत आता है। ये मनुष्य का ऐसा प्राणी है, खामखा भी गुस्सा हो जाता है, कोई कारण ना हो फिर भी छोटी सी बात में बड़ी सी गुस्सा करता है। और याद रखना, इस शरीर में उठे हुए काम क्रोध के वेग को जो नियंत्रण कर लेता है, सहन कर लेता है, राज्य और लक्ष्मी का अधिकारी होता है और वही सुखी होता है, और उसे योगी कहा जाता है जो भीतर उठे हुए काम और क्रोध के तूफान को कंट्रोल करता है। ये सबके भीतर तूफान कभी कभी उठता है, इसलिए अर्जुन ने पूछा कृष्ण से कि नरक क्या है। कृष्ण कहते हैं, त्रिविधम नरकस्यदम द्वारम नाशनम आत्मनः कामा क्रोधा तथा लोभा तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्। एतई विमुक्ता कौन ते तमो द्वारै त्रिभि नर आचरति आत्मनः श्रेयः ततो यात् परां गतिः। कृष्ण कहते हैं कि तीन नरक के द्वार हैं, काम क्रोध और लोभ। लोभ भी कोई साधारण चीज नहीं है, लोभ पुराने चप्पलों पर भी लालच आ जाता है। इसलिए कितने लोग सत्संग में आते हैं तो अपने चप्पल जूता अपने सामने रखकर बैठते हैं और चप्पल जूता से हाथ जोड़कर कहते हैं, तुम्हें ओ माता च पिता तुम्हें ओ। चिंता है कि कोई ले जाएगा इनको, दूसरों के चप्पल चुराना, किसी के जूता पहनकर चले जाना बहुत बड़ी तौहीनी की बात है। याद रखना, इतने सुंदर पैर मिले हैं आपको, इन पैरों से चलकर इतनी मेहनत करो कि खुद ही चप्पल जूता खरीद कर पहनो, दूसरे के पहन लेना ये पाप माना जाता है। और सत्संग में आकर के जो किसी के चप्पल जूते पहनता है, सात जन्म तक उसको चप्पल जूते पहनने वाले पैर ही नहीं मिलते हैं, काम खत्म। तुम सोचो कि इतना बड़ा पाप लग जाता है, ये सेकंड हैंड चप्पल में इतना पाप, बहुत बड़ा पाप लगता है, उसका कारण क्या है। सत्संग में जाकर जब तुम चप्पल चुराते हो, बात चप्पल की नहीं है, बात जो वहां पर महान संत कथा कह रहे हैं, सत्संग सुना रहे हैं, उनके नाम की बात है। किसी का चप्पल गायब हो जाए, यहां से जब जाएगा तो सड़क पर यही कहेगा कि असंग साहिब के सत्संग में गए थे, हमारा कोई चप्पल उठा ले गया। चप्पल तुम्हारा ले गया और चप्पल कोई ले गया, लेकिन असंग साहिब का नाम क्यों घुसेड़ रहे उसमें। इतने बड़े महान संत का नाम भी बदनाम होता है, जिसके कारण तुमको इतना पाप लग जाता है कि सात जन्म तक चप्पल जूता पहनने वाले पैर ही नहीं मिलते। इसलिए कभी चप्पल जूता मत चुराना। और सत्संग में किसी का सामान गिर जाए, मंगलसूत्र गिर जाए, कुंडल गिर जाए, मोबाइल गिर जाए, या कोई भी एक्स वाई जेड घड़ी गिर जाए और तुमको मिल जाए, यदि उठाकर माइक के पास लाकर दे दो, अनाउंस करवा दो, तो याद रखना उस व्यक्ति को सात जन्म तक बहुत सुंदर शरीर प्राप्त होता है, सुंदर दिमाग प्राप्त होता है, कोई प्रकार की प्रॉब्लम नहीं रहती, क्योंकि फिर सत्संग का सम्मान बढ़ गया, गुरु जी का सम्मान बढ़ गया कि देखो मेरा मोबाइल गिर गया था 10,000 का, गुरु जी की कृपा से मिल गया, गुरु जी का सम्मान बढ़ाया तुमने, उसके पुण्य से आपको सात जन्म तक बहुत सुंदर शरीर मिलेगा, मनुष्य का शरीर मिलेगा, अच्छे घर में जन्म होगा और अच्छा दिमाग बुद्धि होगी। इसलिए सत्संग में कोई, तो इसका मतलब ये नहीं कि सत्संग के अलावा कहीं जाओ तो वहां चुरा लो, ये भी अर्थ नहीं, वहां भी नहीं चुराना है,
चोरी पाप है, चुराना है ही नहीं। चोरी करने से अपना मनोबल डाउन होता है, आत्मबल गिरता है, शर्मिंदा होना पड़ता है, बेइज्जती होती है, दिल में असमंजस पड़ता है, घबराहट होती। अभी मैं एक आपको फार्मूला प्रैक्टिकल डाल रहा हूं आपके ऊपर, देखना थोड़ी देर में। गलत भावना भी भय को भर देती है। इसमें तीन आदमी ऐसे आए हैं जो किसी के चप्पल चुराना चाहते हैं, इतनी बात है। अब इतनी बात से ही इतनी बड़ी सभा में बैठे हुए लोगों के मन में भय हो गया कि मेरा ही चप्पल न चुरा ले। देखो चुराया नहीं है। और वो तीन आदमी जो चप्पल चुराना चाहते वो ये भयभीत हो गए, डर गए, संकोच में पड़ गए, असमंजस में पड़ गए कि गुरुजी ने कैसे जान लिया है, कहीं हमको खड़ा ना कर दें। उनके अंदर घबराहट पैदा हो गई। गलत काम को सोचते ही खुद के अंदर भय, डर, असमंजस, उलझन, घबराहट पैदा होती है। और जहां भय है वहां सुख कहां रह सकता है? जहां असमंजस है वहां शांति कहां? और चोर खुद तो घबराहट में जिंदगी जीता ही है, लेकिन जिनका चुराता है वो भी घबरा जाते हैं, उनकी भी शांति भंग करता है। और जो दूसरों की शांति भंग करता है, याद रखना, उसको सात जन्म तक शांति नहीं मिलती है, सुख नहीं मिलता है, अभय नहीं हो पाता है। इसलिए दूसरों की शांति भंग मत करो, दूसरों को तंग मत करो, दूसरों को प्रेम से जीने दो, निर्भय कर दो। चलना संभल संभल के, चलना संभल संभल के, माया नगर यही है। चलना संभल संभल के, माया नगर यही है। दो दिन की जिंदगी में, दो दिन की जिंदगी में मत दाग तो लगाना, दो दिन की जिंदगी में। लाओ ताली बजाओ, जब गाना शुरू हो तो पानी पिलाओ, सबको पानी बांटो। चलना संभल संभल के, चलना संभल संभल के, माया नगर यही है। चलना संभल संभल के, माया नगर यही है। माया नगर यही है, माया नगर यही है। चलना संभल संभल के, माया नगर यही है। चलना संभल संभल के, बहुत अच्छी माया नगर यही। क्या पहचान है कि तुम माया के गुलाम हो कि नहीं हो? जब तुम अपनी मां को गाली देने लग जाओ, पिता से बात लड़ाने लग जाओ, तो समझ लेना तुम्हारे ऊपर माया का प्रभाव आ गया। जब तुम अपनी पत्नी को पीटने लग जाओ, अपने पति को गाली बकने लग जाओ, तो समझना तुम माया के गुलाम हो चुके हो। जब तुम अपने बेटों के साथ में दुर्व्यवहार करने लग जाओ, बहुओं को सताने लग जाओ, मित्रों को भी धोखा देने लग जाओ, पड़ोसियों से ईर्ष्या करने लग जाओ, अपने घर वालों से खूब क्रोध करने लग जाओ, तो समझ लेना कि माया ने तुमको प्रभावित कर दिया। माया की यही पहचान है, माया कुछ और नहीं है। मन माया तो एक है, माया मन ही समाए, तीन लोक संशय पड़ा, काहे कहूं समझाए।
शक्नोती है यह सोढ़ुम प्राक शरीर विमोचन। यदि सुख चाहते हो, कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन अपने क्रोध को कंट्रोल करो, गुस्सा को काबू करो, ज्यादा गुस्सा ना आने पाए, थोड़ा गम खा लिया करो, सह लिया करो। और याद रखना, दूर वालों की सहना आसान है, अपने खास लोगों की सहना बहुत कठिन है। अपनी पत्नी की भी सह लिया करो, पति की प्रतिकूलता को भी सह लिया करो, सासू की सह लो, ससुर की सह लो, गम खाने वालों की गम मिट जाती है। जो गम नहीं खा पाते हैं वो खुद मिट जाते हैं, इसलिए गम खा लें। दुकानदार यदि ग्राहक की सह न सके तो दुकान बंद हो जाएगी, अगर नेता जनता की सह न सके तो नेतागिरी खत्म हो जाएगी, साधु भक्तों की सह न सके तो भक्ति खत्म हो जाएगी। इसलिए सहना ही तपस्या है, साधु को भी बहुत सहना चाहिए। सहनशीलता तुम्हारा श्रृंगार है। सीता जी लक्ष्मण रेखा को लांघ जाती है, लेकिन राम इस गलती को सह लेते हैं। अगर राम को भी गुस्सा आ जाता कि तुम रेखा को लांघ गई तो तुमको ढूंढने नहीं आऊंगा, तो मामला और बिगड़ जाता। बड़े भाई की गलती को जो सुधार ले वही महान है। पिता से गलती हो जाए कभी कहना मत। बहू से दूध लुढ़क जाए तकरार मत करना, और सासू से कोई कांच का प्याला फूट जाए घर में बकवास ना करना, गम खा लेना। ये छोटी छोटी बातें ही तुमको अशांत करती हैं। मैंने सुना है एक बालक बाल बनवा कर आया किसी नाई के यहां से, दुकान से, सैलून सेंटर से बाल बनवाया। तो उसके बाप ने पूछा बाल कहां बनवाया, तो उस लड़के ने कहा कि सैलून सेंटर में बाल बनवाया। बोले कितने पैसे दिया, बोला 50 रुपये दिया। तो बाप ने कहा मूर्ख, जो घर में नाई आता है हफ्ते में एक दिन, 5 रुपये में बाल बना देता, ये 50 देकर आया है मूर्ख। तो उस बाल पर दिन भर इतना बवाल चला, इकलौता बेटा था, बाप ने माँ ने दोनों ने मिलकर उस बेटे को इतना कोसा, इतना कहना सुनना किया कि बेटा शाम तक जहर खाकर मर गया। जब बेटे की लाश पड़ी थी, चिट्ठी लिखी रखी थी कि बाल के कारण मरा हूं, अब न बाल रह गया न बाल बच्चा रह गया, सब काम खत्म हो गया। तब वो सेठ बैठा रो रहा था कि जिसके लिए वो 50 रुपये में बचत करना चाहता था उसको नहीं बचा सका, और पैसा भी गया और बच्चा भी गया। याद रखना, जिस बच्चे के लिए तुम धन कमाते हो, मकान बनाते हो, तो कम से कम उस बच्चे को भी बचाने का ख्याल रखना। कहीं ऐसा ना हो जिसके लिए धन बचा रहे हो उसको ही न बचा पाओ, वही कहीं चला ना जाए। कंट्रोल रखना, गम खाना, धन की हानि भी सहो, सामान की हानि को भी सहो, कहीं सम्मान का नुकसान हो जाए उसको भी सह लो। सहन करना तपस्या कहा गया है।
गम समान भोजन नहीं जो कोई गम को खाए, अम्बरीश गम खाई या दुर्भाषा बिल लाए। आपके पिताजी ने कुछ कह दिया हो, गम खा लेना, नाराज होकर जहर मत खा लेना। जहर खाना आसान है, गम खाना कठिन है। और यदि माता पिता ने तुमको डांटा है तो सौभाग्य समझना, सास ससुर ने डांटा है तो किस्मत समझना। क्योंकि जिसके ऊपर डांट ना हो, जिस बोतल में डांट ना लगी हो, उस बोतल में कुछ भी रखो तो बह जाता है। जिसकी जिंदगी में डांट सही नहीं लगी है, उसकी जिंदगी में भी सुख शांति भी बह जाती है, रह नहीं जाती। इसलिए कभी तुम्हारी पत्नी भी डांट दे तो धन्यवाद देना कि जब विवाह हुआ था तो डांटने का वादा नहीं हुआ था, लेकिन ये अतिरिक्त सेवा तुम कर रही हो, बहुत अच्छा। ऐसा कोई बिरले पति होगा जो डांटा ना जाता हो। कमरे के अंदर बेडरूम में सब पति डांट खाते हैं, और ऐसा डांट खाते हैं हाथ जोड़कर खड़े होते, कहते जो कहो वही करूंगा। और पत्नियां अगर इतना डांटती ना, इतना डांटती हैं, समझाती हैं, उसके बावजूद भी पुरुष शराब पीता है। पुरुष कंट्रोल नहीं। स्त्रियों में कोई बिरले नारी होगी जो शराब पीती हो। पुरुष कहते हैं कि हमें टेंशन है इसलिए शराब पीता हूं, ये भी तो बराबर की अर्धांगिनी है, घर का लोड इनके ऊपर भी है, इनको क्या टेंशन नहीं है। शराब पीने से कोई टेंशन थोड़ी दूर हो जाती है। शराब का नाम लोगों ने रखा है चिंता हरण टॉनिक, बहुत प्यारा नाम है। उसके बारे में पता ना हो तो एक एक बोतल हम भी पिए, चिंता हरण टॉनिक। शराब से कोई चिंता दूर होने वाली नहीं, ये चिंता हरण टॉनिक नहीं है, ये चिता मरण टॉनिक है, जल्दी चिता पर पहुंचा दे। मत पीना शराब। जितने लोग नहीं डूबे हैं कुओं के गहरे पानी में, जितने लोग नहीं डूबे हैं नदियों के पानी में, जितने लोग नहीं डूबे हैं समुद्र के लहराते पानी में, सच कहूं उससे भी करोड़ों गुना ज्यादा डूब गए हैं बोतलों के बंद पानी में, बोतलों के बंद पानी में। दारू में कितने लोग डूब गए हैं। ये शराब बुद्धि को भ्रष्ट करती है, स्वास्थ्य को नष्ट करती है। मैं आपके सामने एक ऐसा व्यक्ति आदर्श मॉडल बैठा हूं, जीवन में इलायची तक का नशा नहीं किया हूं, शराब तो छुआ भी नहीं, इलायची भी नहीं खाता हूं। कोई सामने रख देता है तो देख लेता हूं बस, कोई आदत नहीं है। बुद्धि कुशाग्र रहेगी। ताजमहल होटल के सामने बॉम्बे में एक शराबी आता है, टैक्सी ड्राइवर से कहता है मुझे बॉम्बे ताजमहल होटल जाना है। टैक्सी ड्राइवर ने बाएं से आकर गेट खोला, कहा ये बैठ जाइए, और पीछे से आकर दाहिने का गेट खोला, कहा उतर जाइए। आ गया ताजमहल होटल। बोले कितना किराया दूं? बोले 50 रुपये। 50 रुपये ले लिया तो शराबी ने कहा थोड़ा धीरे चलाया करो, बहुत तेज चलाते हो। टैक्सी ड्राइवर ने कहा कि तुमने शराब पी ली, मैंने तो गाड़ी स्टार्ट ही नहीं की, वो ताजमहल होटल के सामने ही खड़ी थी, बाएं साइड से बिठाया और दाहिने से उतार दिया, तुमने थोड़ी पी ली, हमारा काम बन गया, 50 रुपये बन गए। इतना ये शराब बुद्धि को नष्ट करती है, सोचने की क्षमता को कम कर देती है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा,
गुरु जी को दान भी देना चाहिए कुछ। यहां से खाली हाथ मत जाओ, दान देकर गुरु वैद्य और ज्योतिषी देव मित्र बलराज इन्हें भेंट भी जो मिले हो न पूर्ण काज। और गुरु को सबसे बड़ा दान क्या है? आपकी आदत और अवगुणों का दान सबसे बड़ा दान है। आज मैं आपसे मांगूंगा धन दान, रुपया दान जो तुम देते हो वो मैं लेकर के तुम्हारी सेवा में टीवी चैनल में फीस जमा करके फिर से लौटा देता हूँ। लेकिन अपने अवगुणों का दान करो। शराब पीने की आदत दान कर दो, बीड़ी पीने की आदत दान कर दो, गुस्सा करने की आदत दान कर दो, अहंकार की आदत को दान कर दो, आलस्य को दान कर दो। आज तुम कुछ न कुछ ऐसा दान करके जाओ जिससे तुम्हारे घर में सुख शांति आ जाए। ये सबसे बड़ा दान हो। शक्नोति है यह सोढ़ुं प्राक शरीर विमोक्षणात्। काम क्रोधोद्भवं बेगम सहयुक्ता सह सुखी न रहा। गौर से समझना, भीतर उठे हुए क्रोध को जो कंट्रोल करता है वही सुखी होता है, उसी को योगी कहा जाता है, वही साधु है। साधु केवल कपड़ा नहीं होता है। कोई सफेद पहन ले, लाल पहन ले, जटा रख ले, पगड़ी बांध ले, ये तो एक वेशभूषा है, यूनिफार्म है अपने अपने ढंग का। परंतु जो काम को जीत ले, क्रोध को जीत ले, लोभ को जीत ले, अहंकार को जीत ले, उसे साधु कहते हैं। आपके बीच में जितने लोग बैठे हैं इसमें भी कोई 50% साधु है। साड़ी सलवार में माताएं बहनें भी संत हृदय की बैठी हुई है, उनके पास करुणा ही करुणा है, क्रोध आता ही नहीं है। कितने पुरुष लोगों के पास में नम्रता ही नम्रता है, अहंकार है ही नहीं। जब तुम्हारा स्वभाव विनम्र हो जाए, करुणा आने लग जाए, जीवों पर दया करने लग जाओ, तो समझ लेना कि अब तुम्हारी जिंदगी में सुख शुरू होने वाला है। काम क्रोधोद्भवं बेगम सहयुक्ता सह सुखी न रहा। और दूसरा प्रश्न है, कबीर साहब से किसी ने पूछा है कि मनुष्य इतना बुद्धिमान प्राणी है, ये कैसे सुखी हो सकता है, बहुत दुखी रहता है। कबीर साहब कहते हैं, चार बातें मनुष्य को ध्यान रखना चाहिए। नंबर एक, रतन का जतन करो। नंबर दो, माड़ी का श्रृंगार। नंबर तीन, आया कबीरा फिर गया। नंबर चार, झूठा है अहंकार। गौर से समझना, थोड़ी देर में सब बता दूंगा। रतन का जतन करो, ये मनुष्य जीवन एक रतन के समान है। साहब कहते हैं इसको जतन पूर्वक संभालो। जतन किसे कहते हैं? आपने कभी कभी देखा होगा कि एक स्त्री पानी के दो तीन घड़ा सिर पे रख करके जा रही है और हाथों से घड़ों को पकड़ती नहीं है, हंसती है, मुस्कुराती है, बातचीत करती है और जाती है, और सिर पर रखे हुए घड़े गिरते नहीं हैं। ये घड़े किसने रोका है? ये जिस ताकत से घड़े रुके हैं उस ताकत का नाम जतन है। जतन पूर्वक घड़े संभले हुए। आपने कभी कभी देखा होगा कुछ बच्चे साइकिल चलाते हैं तो हैंडल छोड़ देते हैं और साइकिल बराबर मुड़ती भी है, चलती भी है, गिरती नहीं है। ये स्टीयरिंग कौन रोका है?
ये जतन से स्टीयरिंग संभल गया है। ऐसे जिसको जतन से जीना आ गया तो उसकी जिंदगी भी जतन पूर्वक संभल जाती है, फिर उसका पतन नहीं होता। इस जिंदगी को जतन पूर्वक संभालो और जिंदगी की कीमत को भी समझो। जीवन की कीमत क्या है? मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो दुनिया की हर चीज को कीमती बनाता है। सोना की कीमत लगाने वाला मनुष्य है, चांदी की कीमत लगाने वाला मनुष्य है, लोहा की कीमत लगाने वाला मनुष्य है, जमीन की कीमत लगाने वाला मनुष्य है, गाड़ी साड़ी की कीमत लगाने वाला मनुष्य है। मनुष्य सब की कीमत लगाता है, तो आप सोचिए जो सब की कीमत लगाता है वो स्वयं कितना कीमती होगा। जब वो अपनी कीमत को भूल जाता है तो दुनिया में दर बदर ठोकरें खाता है। जो अपनी कीमत को याद कर लेता है वो दुनिया में कहीं ठोकर नहीं खाता है, वो धन्य हो जाता है। स्वयं की कीमत को भी पहचानो। तुम बहुत कीमती हो। आज मनुष्य का चमत्कार चारों ओर दिख रहा है। ये जहां पर मैदान पड़ा था इतना सुंदर मंडप किसने लगाया? मनुष्य ने। ये व्यास गाथी बनाया मनुष्य ने। सुनाने वाला मनुष्य है, सुनने वाला मनुष्य है, माइक चलाने वाला मनुष्य है, ताली बजाने वाला मनुष्य है। मनुष्य जंगल में मंगल कर सकता है, अगर इसकी बुद्धि बिगड़ जाए तो मंगल में भी दंगल खड़ा कर सकता है, दंगल खड़ा कर सकता है। अपने घर को मंगलमय बनाइए। रामायण में एक चौपाई आपने पढ़ा होगा, मंगल भवन अमंगलहारी, पढ़ा है ना? बड़ी फेमस चौपाई है ये, संपुट है ये। मंगल भवन अमंगलहारी, मंगल भवन अमंगलहारी। आपके घर में मंगल हो, किसी प्रकार का अमंगल ना। यदि तुम चाहते हो मेरे घर में मंगल ही मंगल हो, तो अपने घर के वातावरण को प्रवचन के प्रभाव में लाइए। आपके घर में सुबह दोपहर शाम प्रवचन होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वैज्ञानिक युग में प्रवचन कितना आसान है। आज मुझसे श्री सुबोध साहेब कह रहे थे, आपके प्रवचन की मेमोरी चिप्स कहाँ मिलेगी? मोबाइल में डाल लो, कभी कभी सुन लिया करूँगा। तो मैंने कहा, मुस्करा दिया कि मेरा ही प्रवचन मेरे से पूछ रहे हैं, अब क्या करूँ? उचित तो यह है कि मैं मेमोरी चिप्स उनको एक मंगा कर दूँ। अब उनसे कहूँ दुकान पर खरीदो, ये शोभा नहीं देता है। सही बात है, तो देखता हूँ मैं मंगा कर दे दूंगा। लेकिन तुम सब लोग मत पूछना, नहीं सबको कहां से दूंगा। मेमोरी चिप्स मोबाइल में हो। कल मेरे मोबाइल में भी मेरे प्रवचन की मेमोरी चिप्स डाली गई है। तो मैं ढलमो मानपुरा प्रतापगढ़ का प्रवचन सुन रहा था रात में, बहुत आनंद आ रहा। आपके यहाँ का प्रवचन भी अपने मोबाइल में रखूंगा मैं मेरा प्रवचन भी सुनता हूँ। क्यों? जैसे कोई स्त्री भोजन बनाती है, सबको खिलाती है, लेकिन अपना बनाया खुद भी खाती है, ऐसे ही हमको सबको प्रवचन सुनाना चाहिए और खुद भी अपना प्रवचन सुनकर अपना भी सुधार करना चाहिए। बहुत जरूरी है बार बार प्रवचन सुनना। जिनके पास में गाड़ी है, पिन ड्राइव खरीद लेना, 100 घंटे का प्रवचन उसमें मिलेगा। सीडी डीवीडी ले लेना, अच्छा साउंड सिस्टम घर में लगा लेना, मधुर मधुर प्रवचन सुनना। और टीवी में रोज सुनना 20 मिनट। ये मैं इसलिए कह रहा हूं,
क्योंकि टीवी में बीच बीच बंद भी हो जाता है, बंद होता है कि नहीं? क्या भरोसा कहीं महीना दो महीना के लिए बंद हो जाए, इसलिए सीडी डीवीडी भी रखना, क्योंकि जैसे शरीर को जीने के लिए भोजन और पानी रोज चाहिए, ऐसे जिंदगी जीने के लिए प्रवचन भी रोज चाहिए, प्रवचन रोज चाहिए। प्रवचन जिंदगी है, प्रवचन खुशी है, प्रवचन आनंद है, प्रवचन सुख है, प्रवचन से मन समझ जाता है। प्रवचन सुनते सुनते कितनों की गुस्सा शांत हुई है, कितनों का अहंकार कम हुआ है और कितनों का लोभ कम हो गया है, कितने के घर में कलह कलेश कम हुआ है। प्रवचन के प्रभाव से कितने लोगों के घर में शांति आई है। आप प्रवचन का लाभ लेते रहना। और मैं आपको बताऊं, सत्संग एक भजन हमारे संत गाते हैं, मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों। सब गाइए, मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, बस प्रेम मेरा भरपूर रहे, बस प्रेम मेरा भरपूर रहे, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम। ताली बजाकर गाओ, मुंह से बोलो, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, चाहे कांटों पर भी चलना हो, चाहे कांटों पर भी चलना हो, चाहे अग्नि में भी जलना हो, चाहे अग्नि में भी चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, गुरुदेव तुम्हारे चरणों, जय हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, हे संत तुम्हारे चरणों में, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, हे संत तुम्हारे चरणों में। दुनिया में दो प्रकार का सुख है, एक सच्चा सुख है, दूसरा झूठा सुख है। झूठा सुख मनुष्य को बहुत आकर्षित करता है, झूठा सुख
शुरू में तो सुख लगता है लेकिन उसका अंत बड़ा दुखद होता है। सच्चा सुख शुरू में कठिन लगता है लेकिन उसका अंत बहुत सुखदायी होता है। भक्ति का मार्ग सुख का मार्ग है, सत्संग का पथ सुख का रास्ता है। सदाचारी बनो। कबीर साहब कहते हैं, जतन पूर्वक मनुष्य जीवन को संभालना, इस जीवन की कीमत को समझना, प्रसन्न होकर के जीना, अपने परिवार को भी प्रसन्न रखना, दुख ना देना परिवार के सदस्यों को, घर को मंदिर जैसा बना लेना, आश्रम तुम्हारा घर हो जाए, अकेले भी बैठना तो प्रसन्न होकर बैठना, चिंता छोड़ो सुख से जियो इस फार्मूले को अपना लेना, रतन का जतन करो, माड़ी का श्रृंगार, शरीर के श्रृंगार में केवल भूल मत जाना, शरीर के खान पान भोग विलास में जिंदगी को समाप्त मत कर देना। ये शरीर मोक्ष के लिए प्राप्त हुआ है, आत्म कल्याण के लिए मिला है, इस शरीर को आलस्य में भी मत बिता देना, सोने में भी समय मत गंवा देना, क्योंकि जिंदगी का लक्ष्य केवल सोना भी नहीं है। माया मोह की नींद से जागो। संतों जागत नींद न कीजिए, कबीर साहब कहते हैं, संतों जो जाग जाता है वही संत है, जो सोया है वही संसारी है। स्वामी महावीर ने कहा है, असुत्ता मुनि सुत्ता अमुनि, जो सोया है वो संसारी है, जो जाग गया है वही संत हो गया है। जागो माया मोह की नींद से, आपका जीवन सुख शांति से पूर्ण हो, आपकी चिंता मिटे, आपका कल्याण हो, धैर्य आपके अंदर जागृत हो। आया कबीरा फिर गया, संसार के सत्य को कबीर साहब समझा रहे हैं कि जीव संसार में आता है और एक दिन समय पूरा होते ही शरीर को छोड़कर, संसार रिश्तों को छोड़कर चल देता है। आत्मा तो अमर है, अजर है, अविनाशी है, लेकिन ये शरीर नाशवान है। शरीर के रिश्ते नाते होते हैं, आत्मा का कोई रिश्ता नाता नहीं होता है। इसलिए किसी की मृत्यु हो जाए तो बहुत दिनों तक मत रोना, क्योंकि शरीर जिससे रिश्ता था वो यही है, जिसको तुमने दफन कर दिया है, आत्मा का किसी से रिश्ता नहीं है। आज जो स्त्री के रूप में बैठा है आत्मा, कल मरने के बाद पुरुष के रूप में भी जन्म ले सकता है। आज जो अमीर के घर में जन्म लिया है, कल मरने के बाद गरीब के घर में भी पैदा हो सकता है। आज जो तुम्हारा मामा बनकर बैठा है, अगले जन्म में वो भांजा बनकर भी बैठ सकता है। एक जन्म की पुत्री मरकर है पत्नी बन जाती, फिर आगामी भाव में माता बनकर पैर पो जाती। पिता पुत्र के रूप जन्मता बैरी बनता भाई, पुत्र त्याग कर देह कभी बन जाता सगा जमाई, बन जाता सगा जमाई। ये आत्मा के गुणों को समझना, कभी कभी ये आत्मा तुम्हारे घर में शत्रु की आत्मा पुत्र के रूप में आकर जन्म लेती है, और इसलिए जन्म लेती है जो भी उसके साथ में शत्रुता थी उसका सब बदला देने के लिए आई है,
और शत्रु की आत्मा अगर पुत्र के रूप में तुम्हारे घर में जन्म लेगी तो उसकी पहचान है कि बचपन से बहुत बीमार रहे। उसको लिए लिए तुम हर डॉक्टर के पास में चेकअप कराते रहोगे, इलाज कराते रहोगे, ना तो बीमारी का पता चलेगा ना बीमार ठीक होगा। और जब थोड़ा सा वो बड़ा होगा, स्कूल जाएगा, तो पढ़ने में भी बहुत फेलियर होगा, बार बार फेल होगा। उसके पीछे तुमको बहुत चिंता टेंशन करना पड़ेगा। और फिर थोड़ा सा बड़ा होगा तो नशा व्यसन भी करेगा, बचपन से ही पुड़िया खाएगा, जर्दा खाएगा, बीड़ी पिएगा। तुम बहुत मना करोगे, फिर भी मोबाइल लिए लिए घूमता रहेगा, कान में लगाए हाय रे करता रहेगा। तुम डांटोगे तो कहेगा जहर खा लूंगा, कुछ नहीं कहोगे तो कहेगा गोबर खा लूंगा। ऐसा दिमाग खराब करता रहेगा तुम्हारा। तो समझ लेना, ये शत्रु की आत्मा पुत्र के रूप में आकर पैदा हो गई है, तुम्हें दुख दे रही है। और कभी कभी भाई की आत्मा पुत्र के रूप में आकर जन्म ले लेती है। जब भाई की आत्मा पुत्र के रूप में आकर जन्म ले तो समझ लेना बचपन से ही तुम्हारी आज्ञा भी मानेगा, कंधे में कंधा मिलाकर चलेगा और कहेगा पिताजी घबराना मत, मैं साथ में हूँ, जहाँ तुम्हारा पसीना गिरेगा वहाँ मैं अपना खून गिरा दूंगा, पिताजी चिंता मत करना। तो समझ लेना ये भाई की आत्मा कुछ भाईचारा का कर्मों का लेन देन बकाया था वो अदा करने के लिए आई है। और कभी कभी पिता की आत्मा पुत्र के रूप में आकर जन्म ले लेती है, इसलिए कभी पिता को सताना नहीं चाहिए, अन्यथा वो लौट कर आ जाएगा, आपको पुत्र बनकर सताएगा। यदि तुमने पुत्र बनकर किसी पिता को सताया है, यदि आपने बहू बनकर किसी सासू को तुमने सताया है, तो सासू की आत्मा तुम्हारी बहू बनकर आएगी और तुमको पूरा कर्म का फल दे देगी, इसलिए सताना मत। क्योंकि संसार पूरा कर्मों का ही खेल है। कबीर, कमाई आपनी कभी न निष्फल जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहां से खाए, आम कहां से खाए। जब पिता की आत्मा पुत्र के रूप में जन्म लेती है उसकी क्या पहचान है, वो बचपन से तुम्हारी आज्ञा नहीं मानेगा, बल्कि वो तुमको आदेश देगा और कहेगा पिताजी आज किरणापुर बाजार चले जाना, लिस्ट देता हूँ ये सामान खरीद लाना, और शाम को मेरी ससुराल जाकर मेरी वाइफ को ले आना, और कल खेत में पानी सिंचाई होगी उसमें आपको लगना है। तुमको ऐसे आदेश देगा, तुम कभी कभी परेशान हो जाओगे और कहोगे क्या तू मेरा बाप है अकल बताता है, वास्तव में वो बाप ही आया है अकल बता रहा है। और कभी कभी जब तुम्हारे बहुत पुण्य होते हैं तो पुत्र के रूप में पुत्र की आत्मा का जन्म होता है, और पुत्र के रूप में जब पुत्र आता है तो याद रखना उसकी पहचान है बचपन से वो तुमसे बहुत प्रेम करेगा, तुम्हारे साथ रहेगा, तुम जहां बिठा दोगे बैठ जाएगा, स्कूल खुशी से जाएगा, अच्छे नंबर लाएगा, तुम्हारी बात मानेगा, तुम्हारे पैर भी दबाएगा और जो काम बताओगे करेगा, हंस करके तुम्हारे गोद में लिपट जाएगा और तुमको कहेगा पिताजी मुझे छोड़ के मत जाना। तो समझ लेना ये पुत्र के रूप में ही पुत्र की आत्मा आ गई है, अब इसके साथ में तुमको सुख भी मिलेगा, प्रसन्नता भी मिलेगी, आनंद भी मिलेगा। इतना पुण्य जरूर कमा लेना, तुम्हारे घर में एक पुत्र हो दो पुत्र हो, लेकिन पुत्र के रूप में ही पुत्र का जन्म हो, पुत्री के रूप में ही पुत्री आए, कोई दूसरे रूप में ना आए, आपका घर सुख शांति से पूर्ण हो, ऐसी मैं शुभकामना करता हूँ। और आज मैं वो फार्मूला बता देता हूँ, गृहस्थाश्रम में सुख कैसे आता है, विदुर जी के फार्मूले भी छेद दे देता हूँ सारट में,
और जल्दी से फिर समाप्त कर देता हूँ। रतन का जतन कर माड़ी का श्रृंगार, आया कबीरा फिर गया झूठा है अहंकार। कबीर साहब कहते हैं, अहंकार मिथ्या है, इसको छोड़ देना, नम्रता रखना, सरलता रखना, आपका कल्याण होगा, आपका उद्धार होगा। अहंकार हमेशा दुख देता है। मैंने सुना है कोई राजकुमार जंगल में सैर करने गया। अहंकारी राजकुमार था, घूमते घूमते जंगल में रास्ता भटक गया। बड़ी मजेदार कहानी है, ध्यान से सुनना। प्यास लगी, कुएं के पास गया, रस्सी बाल्टी में बांध कर पानी भरने चला, तो उसे याद आ गया, मैं राजा का बेटा रायजादा हूं, मैं पानी कैसे भर सकता हूं, पानी भरना तो कहारों का काम है। एक किनारे बैठ गया। थोड़ी देर में मंत्री का बेटा भी जंगल की सैर करने निकला था, उसे भी प्यास लगी, वो भी वहीं आया कुएं के पास। मंत्री के बेटे को देख करके राजकुमार ने कहा, आइए पानी भरिए, पीजिए, पिलाइए, पानी पिलाना बहुत बड़ा पुण्य होता है। मंत्री के बेटे ने कहा, अगर पानी पिलाना पुण्य है तो ये तुम स्वयं क्यों नहीं पिला देते हो, हमारे लिए पुण्य क्यों छोड़ा है। तो राजकुमार ने कहा, मैं राजा का बेटा रायजादा हूं, इसलिए पानी नहीं भर सकता, पानी भरना कहारों का काम है। तो मंत्री के बेटे ने कहा, फिर तो मैं मंत्री का बेटा मंत्री ज्यादा हूं, मैं भी पानी नहीं भर सकता, ये कहारों का काम है। दोनों एक ही मॉडल बैठ गए पास पास। थोड़ी देर में तीसरा व्यक्ति आया जंगल की सैर करने, प्यास लगी, कुएं के पास पहुंचा। तीसरे को देखकर दोनों हंसते हैं और कहते, आओ पानी भरो, पिलाओ, बहुत बड़ा पुण्य होगा। तीसरे ने कहा, जब इतना ज्ञान है कि पानी पिलाने से पुण्य होगा, तो ये पुण्य तुम खुद क्यों नहीं कमाते हो। तो राजकुमार ने कहा, मैं राजा का बेटा रायजादा हूँ, इसलिए पानी नहीं भर सकता, पानी भरना कहारों का काम है। मंत्री के बेटे ने कहा, मैं मंत्री का बेटा मंत्री ज्यादा हूँ, इसलिए पानी नहीं भर सकता, ये कहारों का काम है। तो तीसरे ने कहा, मैं भी अमीरों का बेटा अमीर ज्यादा हूँ, मैं भी पानी भर कर नहीं पी सकता। तीनों एक ही मॉडल इकट्ठे हो गए। थोड़ी देर में एक चौथा व्यक्ति आया, उसको देखकर तीनों ने कहा, आओ धन्यवाद, नमस्कार, पानी भरो, पिलाओ, बहुत बड़ा पुण्य होगा। चौथे ने कहा, बहुत बड़ा पुण्य होगा, तो तुम क्यों चूक गए पुण्य कमाने में, तुम हमको पिलाओ। राजकुमार ने कहा, मैं राजा का बेटा रायजादा हूँ, इसलिए पानी नहीं भर सकता। मंत्री कुमार ने कहा, मैं मंत्री का बेटा मंत्री ज्यादा हूँ, इसलिए पानी नहीं भर सकता। तीसरे ने कहा, मैं अमीरों का बेटा अमीर ज्यादा हूँ, इसलिए पानी नहीं भर सकता। तो चौथा बोला, मैं कौन हूँ आपको पता है। उसने बाल्टी उठाया, रस्सी बांधा, पानी भरा और पी लिया, और बाल्टी में जो पानी बचा लात मारकर लुढ़का दिया और कहा, तुम राजा के बेटे राय ज्यादा हो, इसलिए पानी नहीं भरकर पी सकते। तुम मंत्री के बेटे मंत्री ज्यादा हो, इसलिए पानी भरकर नहीं पी सकते। तुम अमीरों के बेटे अमीर ज्यादा हो, इसलिए पानी भरकर नहीं पी सकते। तो मैं कौन हूं पता है। तुम राय ज्यादा, मंत्री ज्यादा, अमीर ज्यादा हो, इसलिए पानी भर नहीं सकते हो। मैं हूं पक्का हराम ज्यादा, मैं एक बूंद नहीं पिला सकता। राय ज्यादा, मंत्री ज्यादा, अमीर ज्यादा को मिला हराम ज्यादा। इस दुनिया में हराम ज्यादा भी बहुत है। जिनको अहंकार था वो प्यासे बैठे हुए हैं। छोटा से छोटा काम भी अपने हाथ से कर लो, और बड़े से बड़े अहंकार को तोड़ने वाला छोटा सा काम होता है। जितनी छोटी सी छोटी सेवा होगी, उतने बड़े से बड़े अहंकार को तोड़ेगी। दान करने से लोभ नष्ट होता है, और छोटी सी छोटी सेवा करने से अभिमान नष्ट होता है। इसलिए दान भी करना चाहिए। धन्यवाद। किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है।